सबसे पहले किस तरह से पूरे जो लोग सीमेंट के ब्लॉकेट हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसमें किसानों के बीच में तरह तरह के लोग भी इसमें आपको शामिल मिलेंगे, जो लगातार बैरिकेड हटाया जा रहा है। और उसके बाद ये जो फोर्स का मूवमेंट है वो पीछे हो गया है। यहाँ पर जो बैरिकेड थे, जो ब्लॉकेट थे, उसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर बस कुछ पुलिस के जवान हैं जो कि समझा रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा फोर्स का मूवमेंट था वो पीछे हो गया है। ये देखिए, एक और ब्लॉकेट, सीमेंट का एक और ब्लॉकेट लोगों ने पीछे खींच लिया है। ट्रैक्टर लगा के इस ब्लॉकेट को पीछे खींच लिया गया है। और यानी जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात की जा रही थी, जो रास्ता दिया गया था, उस पर इन्हें रैली नहीं करनी है। ये दिल्ली की तरफ घुसते हुए किसान और ट्रैक्टर मार्च की तो शायद अब लगने लगा होगा सरकार को भी और पुलिस को भी कि उनको इसकी इजाजत देके ये गलती की है, क्योंकि ये लगातार टकराव ही चाहते थे। और इस पूरे आंदोलन को देखें तो उसमें यही समझ में आता है कि ये इसकी तरफ हल की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान का पैर आ गया वहाँ, देखिए एक किसान वहाँ चोटिल हो रहा है, वहाँ एक किसान को चोट भी लग गई है। देखिए अब उसका उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उसको तुरंत अस्पताल लेके जाएगा। उसके लिए हो सकता है ये किसान नेता यहीं पे अस्पताल बनवा देंगे। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं होगा, जो हरकतें हो रही वो क्यों नहीं होगा। देखिए किस तरीके से जबरदस्ती आप देखिए इस पत्थर को यह रस्सी से बांधेंगे और हटाने का प्रयास, कहाँ हटा के लेके जाएंगे इस पत्थर को, कैसे ये सड़क खाली करवा लेंगे। जब दिल्ली पुलिस ने इनको आंदोलन करने के लिए दे दिया परमिशन, रूट दे दिया, समय दे दिया, और यहाँ तक कि सुरक्षा का भी इंतजाम कर दिया, इसके बावजूद एक तरफ सुरक्षा कर्मी इनको देख रहे हैं किस तरीके से उड़दंग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ, देखिए बिल्कुल पुलिस यहाँ लोग भी कह रहे हैं, देखिए किस तरीके से पुलिस अब बस खड़ी हो गई है, क्योंकि इनके सामने आना मतलब कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी रमन। और ये धीरे धीरे कैसे उत्साह वर्धन कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुशासन तोड़ रहे हैं, ये सीमा को लांघ रहे हैं, और इनके ऊपर अगर कार्रवाई हो गई तो फिर ये चिल्लाएंगे। आप देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो लगातार हिंदुस्तान आप तक पहुंचा रहा है। और ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से पूरे बैरिकेड को, ब्लॉकेट्स को हटा दिया गया है और लगातार बड़ी संख्या में किसान यहाँ घुसे हैं। और इसमें से एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जिन्हें वॉलंटियर बना के भेजा गया था वो भी इसमें सबसे आगे हैं, वॉलंटियर की पहचान है। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं हम आपको लगातार जी हिंदुस्तान पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा ब्लॉकेट हटा दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं जो फ्लोरोसेंट कलर वाली जो जैकेट पहनी हुई है, हरे रंग की जो जैकेट पहनी हुई है, ये वॉलंटियर को दी गई थी। इनके गले में ऊपर से पट्टा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वॉलंटियर को दी गई थी, जिन पर जिम्मेदारी थी इसको शांतिपूर्ण रखने की, जो पुलिस के साथ बात हुई थी जिसमें 2500। ये देखिए इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस को घेर लिया है, पुलिस के जवान को घेर लिया है भीड़ ने, और ये उसके साथ धक्का मक्की, ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीर रमन, देखिए कैसे पुलिस को ये आप देख सकते हैं, बुजुर्ग पुलिस वाले को बीच में घेर लिया है, एक बुजुर्ग पुलिस वाले को, ये आप देख। देखिए रमन आप तस्वीर वो दिखाइए कि किस तरीके से अभी पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो कितना असहाय था, वो कितना ज्यादा अभी अपने जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इस भीड़ में आके आके अब कौन इनकी सुरक्षा करे, किस प्रशासन, किस संविधान, किस सरकार से ये बात करना चाहते हैं ये किसान जो खुद को किसान कह रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये ट्रैक्टर ने ब्लॉकेट दूसरा भी हटा दिया, ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त लगातार हिंदुस्तान हिस्सा बन गए, जिस पर लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही थी। यहाँ आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा और साथ ही साथ ये तस्वीरें दिखाई देंगी जो कि उग्र आंदोलन की हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे शायद आज हम गणतंत्र के दिन कोई भी भारतवासी देखना नहीं चाहता था। और ये वो तस्वीरें हैं जिसमें बुजुर्ग
पुलिस कर्मी को धक्का दिया जाता है। और रमन देखिए कैसे बच्चे इस भीड़ में बच्चे क्या कर रहे हैं बताइए। एक किसान का भी पैर चोटिल हुआ, ये बच्चे आ जाएंगे ट्रैक्टर के नीचे, इन पत्थरों के नीचे जिनको जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है, कौन जवाबदेही होगा? फिर ये कहेंगे कि क्यों सरकार नहीं नजर रख गई, सरकार की एजेंसियां कहां है इन पत्थरों को हटाने के लिए? अभी एक पुलिस वाला इनसे बात करने आया तो उनको ये घेर लिए, अब इनको कौन सुरक्षा दे, कौन संविधान की पाठ पढ़ाए, किस सरकार के साथ ये बातचीत करने जाएंगे? इसके बाद ये उम्मीद की गई थी, जब इनसे उम्मीद की गई थी कि जब इनको परमिशन मिल गया है, इनके किसान नेताओं ने इनके लिए परमिशन दिलाया, जब ये उनकी बात नहीं मान पाए, सभी के हाथों में लाठियां, पहले तो डंडे नजर आ रहे थे, अब सभी के हाथ में लाठियां नजर आ रहा है। लगातार